गाइस आप सोच रहे होंगे ये कौन है, ये वो है जिनके बिना मेरी मम्मी की जो रीढ़ की हड्डी वो टूट जाती है। ये मम्मी की टाटा बाय 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 कहते। हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। 8 बजे शाम के 5 बज रहे और मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग बनाना, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती थी, कुछ स्पेशल डिश जो मैं बना रही हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं इसका वीडियो बना लेती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं क्या बना रही हूँ और क्या क्या बना रही हूँ आज, कितने आइटम्स बना रही हूँ वो भी मैं दिखा दूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं हैवी नहीं बना रही हूँ, बहुत सिंपल सिंपल बना रही हूँ, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं आज आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। सो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये है छोले, ये इसको हम लोग काबुली चना बोलते हैं, ये तो आप सबको पता है वाइट वाले, तो मैं आज इसकी सब्जी बनाऊँगी। और ये है भिंडी, भिंडी की भी सब्जी बनाऊंगी। और ये है पत्ता गोभी जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ये है करी पत्ता और ये टमाटर। और इन सब का मैं क्या करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है पोटैटो जिसका मैं आज आलू का जो चोखा बोलते हैं हम लोग उसको मेथपा बोलते हैं, तो बिना इसके तो कुछ कम्प्लीट होने वाला नहीं है। तो चलो टाटा बाय 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 कहते मजे लो टाटा। सो भेज दिया मैंने मम्मी को और मेरी बेटी को एक साथ मेरे पास वाले घर में, हमारे नेबर्स के घर, क्योंकि अगर मेरी बेटी रहेगी तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करती है। छुट्टी है ना अभी 1 साल की, तो उसको मैं भेज रही हूँ, तो मम्मी उसको लेके जा रही है। जब तक वो जाएगी तब तक मेरा काम हो जाएगा। सो गाइस आप सोच रहे होंगे ये कौन है, ये वो है जिनके बिना मेरी मम्मी की जो रीढ़ की हड्डी वो टूट जाती है। ये मम्मी की बैकबोन है, इसका नाम है डॉली। बिना इसके मेरी मम्मी तो हो जाएगी हॉस्पिटलाइज। ये देखिए डॉली, चलो हाय बोल दो डॉली, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत हेल्प करती है हम लोगों को। तो अभी मैं कुकर में डालूंगी छोले को ताकि अच्छे से वो पक जाए। और क्या क्या डालूंगी इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको दिखा ही दूंगी। तो पहले छोले को पहले अच्छे से सीटी लगा लेते हैं। क्योंकि मैं जो आज छोले बनाने वाली हूँ वो सिर्फ करी पत्ता से बनाऊंगी, करी पत्ता और टमाटर डाल के। तो मैं पहला जो क्या करूंगी, करी पत्ते को अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी ताकि वो मॉइस्चर जो सूख जाए। और इसके बाद अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा, धीरे धीरे मैं फ्राई करूंगी, जल्दी जल्दी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप अच्छे से करी पत्ते को फ्राई करेंगे तभी उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से निखर के आ जाएगा। हाँ, बिना फ्राई के भी आप बना सकते हो। फिर इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगी और उसको अच्छे से फिर से फ्राई करूंगी ताकि जो मोचर है वो सूखने के बाद। करी पत्ते को आपको अच्छे से पकाना पड़ेगा ताकि जो कच्चापन है वो ना रहे।
अगर आपको थोड़ा कच्चापन भी अच्छा लगता है तो आप आधा कच्चा भी फ्राई कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। फिर मैं इसको अच्छे से निकालूंगी, फिर उसी सेम कढ़ाई में मैं टमाटर को फ्राई करूंगी सरसों के तेल में। मैं इस तरह का जो डिशेज है वो मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, रिफाइंड में नहीं बनाती मैं। तो फिर टमाटर को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। टमाटर को क्या अच्छे से फ्राई करना, जिससे फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बाद क्या करूँगी, उसको अच्छे से निकाल दूँगी और उसका एक अच्छे से पेस्ट बनाऊँगी और साइड में रख दूँगी मैं टमाटर। और उसको निकाल के करी पत्ता को साइड में निकाल दिया। और उसके बाद जो पत्ता गोभी जो मैंने ग्रेट किया था उसका मैं आज बनाऊँगी पकौड़े। तो पत्ता गोभी को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और जो भिंडी है मैंने उसको अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करके रखा हुआ था कि मोचर सूख जाए। और जो पत्ता गोभी था मैंने उसके पकोड़े की जो मिक्सचर से वो बना दिया है। और अभी मैं इसको अच्छे से तलूंगी। पकोड़े को अच्छे से तलने के बाद ही मैं बनाऊंगी, इसके बाद बनाऊंगी मैं पकोड़े के तलने के बाद बनाऊंगी मैं भिंडी, भिंडी के बाद बनाऊंगी सबसे लास्ट में करी पत्ते की छोले। जब तक पकौड़े तलती हूँ तब तक मैं आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मंडे को ही वेज खाती हूँ कि पूरे साल वेज खाती हूँ। तो मैं आपकी जानकारी से बता दूँ कि मैं एक वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन हूँ एक साल से। और मैं पहले नॉनवेज खाती थी पर नाम लेने के बाद और गुरु कृपा से मैं मैं बरंडा में भी बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। खाना भी बना रही हूँ किचन में तो 2 मिनट रह नहीं पा रही हूँ, गर्मी ज़्यादा है। तो यहाँ मैं फ़ैन ऑन करके मैं यहीं पे बैठ बैठ के मैं, क्योंकि यहाँ में बहुत हवा आती है क्योंकि ये साइड जो खुला है ना, देख सकते हैं आप, तो इस साइड में हवा बहुत आ रही है, बिजली लग रहा है। आज पकोड़े मेरे रेड ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैं उसको अच्छे से निकाल दूंगी। तल गए मेरे अच्छे से, फिर मैं दूसरा और जितना बचा है पेस्ट फिर से उसके पकोड़े बनना स्टार्ट कर दूंगी। ये मेरे पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है उसका कलर। फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में अभी मैं तेल को थोड़ा सा तेल को गर्म करूंगी अच्छे से, और करी पत्ता और जो टमाटर का जो पेस्ट था मैं उसे उस कढ़ाई में डाल दूंगी। पहले मैं तेल को गर्म होने दूंगी और इसमें तेल में मैं पहले क्या क्या डालूंगी, पहले मैं डालूंगी उसमें राय। तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी राय, फिर उसके बाद डालूंगी पासपूरन, फिर उसके बाद डालूंगी थोड़ा सा गुटा साबुत जीरा। ये मैं सब कुछ डालना स्टार्ट कर दी हूँ, आप देख रहे हो, क्योंकि मैं उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। फिर इसको अच्छे से थोड़ा सा हिला देने के बाद फिर इसमें वो पेस्ट डाल दिया, ये देख लीजिए आपका करी पत्ता और टमाटर का जो पेस्ट है उसको अच्छे से डाल दिया। उसको अच्छे से मैं फ्राई करूंगी। उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जब उस ग्रेवी में तेल ऊपर आ जाएगा फिर उसमें मैं डालूंगी मसाले को। लेकिन मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट फास्ट दिखा रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आपको क्या करना है, उसको अच्छे से चलाते रहना है। जितना करी पत्ता तेल छोड़ेगा तभी उसमें आपको डालना है मसाले को।
मसाला जो है उसको आपके स्वाद के अनुसार ही जितना आपका होगा उतना आप डालेंगे। ऐसा नहीं होता कि कितना डालना है कितना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मसाला खाते हो। मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। आप देख लीजिए मैं कितना कैसे कर रही हूँ और फिर आप वैसे ही करके बना लीजिए। बॉईल हो रहे हैं और आपको लग रहा है अगर मसाले कम हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मसाले को डाल सकते हैं। मैंने रेड चिली पाउडर जो है मैंने बहुत कम डाल रहा है क्योंकि बच्चे खाएंगे और व्रत करके, मैं जब व्रत करती हूँ और जब उस खाना खाती हूँ ना, तब अगर रेड चिली पाउडर ज़्यादा हो जाता तो मुझे पेट में थोड़ी जलन हो जाती है, तो मैं स्किप कर देती हूँ रेड पाउडर को। मैं ग्रीन चिली से ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। और साइड में ये पकौड़े तल दिए मैंने और मेरी भिंडी की सब्ज़ी, और ये मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने इसको अच्छे से निकाल दिया। ये लास्ट का देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो। और फिर उसको मैं अच्छे से सर्व करूँगी और आज मैं खाऊँगी खाना जो है वो केले के पत्ते में खाऊँगी। तो मैंने पहले ही शाम को केले के पत्ता तोड़ के रख दिया था और उसमें मैंने कटोरी डाल के देखो चावल बना लिया। फिर साइड में जितना होगा उतना डाल दूँगी और ये हो गया मेरा पूरा डिश कम्प्लीट। सो गाइस कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे, और मैंने बहुत दिल से बनाया है तो आशा करती हूँ आपको ये डिश अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप भी बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। करी पत्ता तो बहुत बेनिफिशियल होता है और मेडिसिन का काम भी करता है। करी पत्ता के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो आलू का चोखा नहीं बनाया मैंने आज। गाइस आशा करती हूँ आज की जो मेरी रेसिपी है करी पत्ते और छोले की, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप भी बना के खाइएगा, अपने हस्बैंड को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने परिवार के सब जनों को खिलाएं। और क्योंकि ये मेरा वेज था तो मैं पहले से स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।